बदसूरत कौआ। एक बार एक कौआ नीम की टहनी पर बैठकर काम वकाम कर रहा था, तभी किसी ने उसको पत्थर फेंक कर भगा दिया। कौआ बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि आखिर क्यों लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं, भगवान ने मुझे इतना काला क्यों बनाया है। यह सोचकर वह एक हंस के पास गया। हंस से बोला, तुम कितने सुंदर हो भाई, तुम्हारे पंख कितने आकर्षक हैं, लोग तुमको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और मुझे दूर से ही उड़ा देते हैं। हंस कहता है, मेरे पास तो केवल एक कलर है, मुझसे ज्यादा सुंदर तो तोता है जिसके पास दो दो कलर हैं। हंस का जवाब सुनकर कौआ तोते के पास जाता है। कौआ तोते से बोला, भाई तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे पास दो दो कलर हैं, मेरे पास तो एक ही है, वह भी भद्दा। तोता कहता है, नहीं भाई, मुझसे ज्यादा सुंदर तो मोर हैं, उसके पास तो कई रंग हैं। मुझसे ज्यादा रंगीन और आकर्षक तो मोर लगता है। अब कौआ मोर के पास गया और बोला, मोर भाई तुमसे खूबसूरत और मुझसे बदसूरत इस धरती पर कोई नहीं है। मोर उदास होकर कहता है, ऐसा मत कहो भाई, इस पूरी दुनिया में तुम ही भाग्यशाली हो, तुम्हें ना तो कोई पकड़ता है ना ही कोई पिंजरे में रखता है, और मुझे देखो, मेरी इस सुंदरता ने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया, सभी को पकड़कर पिंजरे में डाल दिया है। कुछ दिनों बाद मुझे भी पकड़कर पिंजरे में डाल दिया जाएगा। मोर की बातें सुनकर कौआ उसको सांत्वना देकर वहां से चला गया। कौआ वापस नीम की टहनी पर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि वह कितना मूर्ख था, इस दुनिया में उससे खुश पक्षी तो कोई और है ही नहीं। इसके बाद वह फिर से काम काम करने लग जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों से तुलना कर अपनी खुशी को मत गवाओ। आप जैसे भी हैं, सबसे सुंदर हैं, इस बात को स्वीकार कर लो। अगर आपको यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो जरूर कर ले। धन्यवाद।